फ्रेंड्स, अब तक के पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये सीखा कि इंडेक्सिंग क्या होती है, गूगल का क्रॉलर क्या होता है, वो कैसे वेबसाइट पे आता है, कैसे काम करता है, इंडेक्सिंग से क्या फायदे होते हैं, अगर इंडेक्सिंग नहीं होती तो हमारा क्या लॉस होता है, गूगल के सर्च इंजन में हम टॉप पे कैसे आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जल्दी जल्दी ट्रैफिक कैसे आ सकता है, ये बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की अपने कुछ वीडियोस में। अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो मे भी आपको ये दोनों पॉइंट्स के बारे में समझ में ना आए। सो फ्रेंड्स, आज के जो दो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ मैं, उसमें से पहला पॉइंट ये है कि अगर हमें ये जानना हो कि हमारी वेबसाइट का कोई एक पर्टिकुलर पेज है या कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट या कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो हमने लिखा हुआ है, जो हमने पोस्ट किया अपनी वेबसाइट पे, और हमें ये जानना है कि क्या गूगल का क्रॉलर हमारे इस पेज पर या हमारे इस आर्टिकल या पोस्ट पर आया या नहीं, उसने हमारे इस पोस्ट को इंडेक्स किया या नहीं, अगर हमें ये जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के इस पोस्ट पर या इस ब्लॉग पर या इस पर्टिकुलर पेज पर क्रॉलर आया या नहीं आया, इस पेज को उसने इंडेक्स किया या नहीं किया, ये चीजें हम कैसे जान सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमें अपने वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे गूगल के क्राउलर को या अपनी वेबसाइट की किसी पोस्ट या अपनी वेबसाइट पे ही गूगल के क्राउलर को मैन्युअली बुलाना है, या हम चाहते हैं कि गूगल हमारे पेज को इंडेक्स करे और हम उसको मैन्युअली बुलाना चाहते हैं, तो हम कैसे बुला सकते हैं। जी हाँ, सपोज करिए आपके वेबसाइट पे कोई पेज है जिसपे गूगल का क्राउलर नहीं आ रहा, या अब तक उस पेज को गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है, तो आप मैन्युअली कैसे गूगल को इन्वाइट करोगे आपका पेज इंडेक्स करने के लिए, क्राउल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में यही दो चीजें सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर्स एंड योर चैनल यूट्यूबर्स। हमारी वेबसाइट की कोई पर्टिकुलर पोस्ट है और उस पे क्रॉलर आया या नहीं आया, और अगर आया था वो किस डेट को आया था, तो चलिए सपोज करिए जैसे ये मेरी वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए वेबसाइट ये मेरी है खुली हुई है। यहाँ पर एक ब्लॉग ऑप्शन है जिसपे मैं अपने पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ यूट्यूबर्स के लिए। सो देखिए, मैंने लेटेस्ट एक पोस्ट यहाँ पर डाला था एयरटेल भीम यूपीआई ऑफर वाला। सपोज करिए मुझे इसी का देखना है कि क्या इस पे क्राउलर आया था कि नहीं आया था, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका मैं लिंक कॉपी कर लूंगा, कॉपी लिंक, और उसके बाद आ जाऊंगा मैं गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल पे आने के बाद यूआरएल इंस्पेक्शन, यहाँ ऊपर जो यूआरएल है इसी में मैं अपना लिंक कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद देखिए रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, अगर आपकी वेबसाइट पे क्राउलर आया होगा तो उसने इंडेक्स किया होगा, अगर उसने इंडेक्स नहीं किया सिर्फ क्राउल ही किया, तो वो सारी डिटेल आपको अभी खुल कर दिख जाएगी। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये दिखाता है हमें। तो ये देखिए आ गया, यू आर एल इज ऑन गूगल, मतलब ये पेज जो आपका पर्टिकुलर पेज है, ये सॉरी जो आपका पर्टिकुलर पोस्ट है, जो मैंने पोस्ट अभी कॉपी किया लिंक, वो पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो इंडेक्स हो चुका है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एल इज ऑन गूगल, और यहाँ पर कवरेज, अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल खोल के दिखाऊं, चलिए मैं आपको ये खोल कर दिखा देता हूँ। तो अगर मैं ये खोल कर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर 8 यहाँ पर डेट लिखी हुई है, ये देखिए अक्टूबर 8, और कितने बजे आया था, 12:04:35 PM। यस, देखिए यहाँ पर क्राउड आउट, ये मेरा परमिशन था, मैंने परमिशन दे रखी थी कि हाँ इस पेज को आप क्राउड कर सकते हैं। तो ये टोटली गूगल पे अवेलेबल है, तो अगर ये लिंक अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि ये इंडेक्स हो चुकी है, और इंडेक्स होने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पेज पर क्राउलर आया था और इतने बज के इतने मिनट पर आया था और उसने इसको इंडेक्स कर लिया है, ये यूआरएल, ये पोस्ट मेरा, अब यूआरएल इज ऑन गूगल का मतलब ये है कि ये मेरा गूगल में इंडेक्स हो गया है और गूगल के सर्च इंजन में सर्च करने पे इसके दिखने के चांसेस हैं। अब आते हैं हम, अगर हमारा नहीं आ रहा, यहाँ पर यू आर एल इज ऑन गूगल लिख के नहीं आ रहा, ये टिक बन के नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ना इंडेक्सिंग हुई है ना क्राउलिंग हुई है, तो अब हम कैसे बुलाएंगे।
तो दूसरा पॉइंट जो होता है वो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक लिखा हुआ है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये देखिए लिख कर आ रहा है टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स। तो अगर आपका ये यूआरएल इंडेक्स होने के लायक है तो गूगल इसको यहाँ पर लाइव चेक कर रहा है। चेक करने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ये क्राउल करने के लायक है, मतलब लायक का मतलब ये है कि यहाँ पर चेक करेगा कि आपके कंटेंट कैसे हैं, जेन्युइन है कि नहीं है, आपकी सारी चीज़ें वो यहीं पर टेस्ट कर लेगा, और अगर उसको लगता है कि हाँ क्राउलर भेजने लायक ये साइट है तो वो इस पर ज़रूर भेजेगा। तो देखिए अभी ये कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें टेक अ मिनट, ये जूम करने पे ये इंटरनेट भी आज करना यार, जूम करने पे पेज ही क्रॉप हो जा रही है। चलिए थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। सबमिटिंग रिक्वेस्ट, ये देखिए हो गया। इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड सॉरी क्या हो गया आज मुझे, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा सही से, आदत तो नशे में हूं लग रहा है। तो ये देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड लिख के आ गया, यहाँ पर URL was added to priority crawl queue, crawl queue में लग गया है, मतलब crawling के लिए आप एक queue में लग चुके हो, आपका number लग चुका है। जब भी आपका number आएगा crawler आपके इस पेज पर आ जाएगा और crawl कर लेगा और आपके पेज को index भी कर लेगा। सो फ्रेंड्स यही वो दोनों चीजें थी जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला था। फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी तो अच्छी लगी होगी, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या लगा हो कि भाई के द्वारा दी गई जानकारी मेरे तो थोड़े बहुत काम की है ही, अगर थोड़े बहुत काम की भी आपकी जानकारी मैंने आपको दी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना जिनको शेयर करने से लगता हो आपको कि हाँ उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव वेरी 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 ग्रेट डे।